नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्टूडियो हिंदी पर। दोस्तों ये वीडियो पहली वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती पर सदियों पहले ऐसे जीव पाए जाते थे जो आकार में काफ़ी विशाल और खूंखार हुआ करते थे। हालांकि उनको किसी ने शायद नहीं देखा, मगर खुदाई के दौरान जो सबूत पाए गए उनसे लगता है कि ये विशालकाय जीव कभी हमारी धरती पर पाए जाते थे। क्रिप्टस एक सी मॉन्स्टर थी जो कि ग्रीक मिथ्स के अकॉर्डिंग पोसाइडन और गाया की बेटी थी। क्रिप्टस समुद्र के संकरे रास्ते मसीना में एक चट्टान के नीचे रहती थी जो पहले काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। वह एक श्राप की वजह से एक बड़े पानी के भंवर में बदल गई। जो भी नाविक यहाँ से गुजरते थे वो उसे अपने अंदर निगल जाती थी। ऐसा माना जाता है क्रिप्टस इतनी बड़ी थी कि बड़े से बड़े पानी के जहाजों को अपने अंदर निगल जाती थी। कथुलो एक फिक्शनल मॉन्स्टर है जिसका जिक्र 20वीं शताब्दी के एक लेखक एचपी लवक्राफ्ट ने अपनी शॉर्ट स्टोरी द कॉल ऑफ कथुलो में किया था। उनका कहना है कि ये एक एलियन है जो पृथ्वी को खत्म करने आया है। इसका सर ऑक्टोपस का शरीर इंसान का होता है, जिसके पीठ पर दो पंख लगे होते हैं, जिसका मतलब ये पानी में तो रह सकता है, साथ ही साथ आसमान में भी उड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि कथुलो ने यहाँ पर आके सबसे पहले पानी के अंदर एक शहर बनाया था। लोगों का मानना है कि यह अरब सागर की गहराइयों में रहता है या फिर फंस गया है, जो जब भी बाहर आएगा पृथ्वी पर तबाही मचा डालेगा। और इसकी आंखों में सम्मोहन की शक्ति पाई जाती है। जो भी इंसान इसकी आंखों में देख लेता है वह इंसान इसका सेवक बन जाता है और उस इंसान से कथुलो अपने सारे काम कराता है। डेकोसोरस खत्म हो चुकी वो प्रजाति है जो लेट जुरासिक युग लगभग 163 से 145 मिलियन साल पहले पाई जाती थी। इसके नाम डेकोस का मतलब है बाइटर और सोरस का मतलब है लिजार्ड, यानी एक प्रकार की बड़ी छिपकली। इसका सर देखने में डायनासोर की तरह लगता है, जबकि यह एक लिजार्ड है। इसके दांत काफ़ी बड़े और नुकीले होते हैं जो इसे काफ़ी खतरनाक बनाते हैं। डेकोसोरस कार्निवोर यानी कि मांस भक्षी थे, जिसका मतलब है अगर किसी इंसान से इनका एनकाउंटर हो जाता है तो उस इंसान का मरना तय है। वर्ल्ड सर्पेंट के नाम से बदनाम इस विशाल राक्षस का जिक्र नॉर्स मैथोलॉजी में किया गया है, जहां इसको योर्मनगैंडर के नाम से जाना जाता है। योर्मनगैंडर ओडिन के बेटे लोकी और एंग्रबोआ की संतान है। मिथ्स के अनुसार लोकी के पिता ओडिन ने लोकी की तीन संतानों बॉल, फेनिर, हेल और योर्मनगैंडर को लोकी से छीन लिया था, जिसके बाद योर्मनगैंडर को ओडिन ने ग्रेट ओशियन में फेंक दिया। नॉर्स दंतकथाओं के अनुसार समुद्र के बीचों बीच में मिडगार्ड था। योर्मनगैंडर के बारे में कहा जाता है कि ये इतना बड़ा था कि अगर इसको मिडगार्ड के चारों तरफ लपेटा जाए तब भी ये अपनी पूंछ को मुंह में दबा सकता था। योर्मनगैंडर को ओडिन ने मिडगार्ड की सुरक्षा के लिए समुद्र में फेंका था। क्रैकन एक लेजेंडरी सी मॉन्स्टर है जिसका जिक्र हमें स्कैंडिनेवियन लोक साहित्य में सुनने को मिलता है। सन 1180 में नॉर्वे के राजा सिवियर ने एक जायंट स्क्विड जैसा समुद्री जीव का जिक्र किया था, जिसको उन्होंने क्रैकन का नाम दिया। क्रैकन एक नॉर्वेगियन वर्ड है जिसका मतलब ऑक्टोपस होता है। ओल्ड नॉर्स कहानियों के अनुसार क्रैकन नॉर्वे और ग्रीनलैंड के कोस्ट के पास रहता था, जो यहाँ से निकलने वाले नाविकों को खा जाता था। ये इतना बड़ा था कि बड़े से बड़े पानी के जहाजों को पूरा का पूरा निगल जाता था। हालांकि ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड एक मूवी क्लैश ऑफ टाइटंस में क्रैकन का जिक्र है, लेकिन क्रैकन का संबंध स्कैंडिनेवियन लोक साहित्य से है। ओल्ड नॉर्स दंतकथाओं में इसका जिक्र देखने को मिल जाता है, जबकि ग्रीक माइथोलॉजी में कहीं क्रैकन का जिक्र नहीं मिलता।